हेलो दोस्तों, आज हम वेल्डिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं कि वेल्डिंग किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होती है, ये कैसे काम करती है इत्यादि। तो अगर आपको हमारी वेल्डिंग टॉपिक वीडियो पसंद आएगी तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, और चैनल पे नए आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वेल्डिंग किसे कहते हैं। तो दोस्तों, वेल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी सहायता से आप किसी भी मेटल के पार्ट्स को बहुत ही कम समय में एकदम मजबूत ज्वाइंट कर सकते हैं। अगर हम इसको एकदम आसान भाषा में कहे तो वेल्डिंग का इस्तेमाल हम किसी दो मेटल के पार्ट्स को आपस में जोड़ने के लिए करते हैं, जिसे हम लोग वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि वेल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, वेल्डिंग मुख्य रूप से दो प्रकार के होती है। पहला, प्रेशर वेल्डिंग। प्रेशर वेल्डिंग को हम लोग नॉन फ्यूजन वेल्डिंग KE नाम से भी जानते हैं, और इसके नाम से पता चलता है इसको करने के लिए प्रेशर का प्रयोग करते हैं, और इसलिए इसे प्रेशर वेल्डिंग या नॉन फ्यूजन वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। अब दूसरा है नॉन प्रेशर वेल्डिंग। नॉन प्रेशर वेल्डिंग को फ्यूजन वेल्डिंग भी कहा जाता है। एक ऐसी वेल्डिंग जब हम लोग करते हैं टिग वेल्डिंग के जरिए, मिग वेल्डिंग के जरिए या फिर गैस वेल्डिंग के जरिए, तो उसे हम नॉन प्रेशर वेल्डिंग या फ्यूजन वेल्डिंग कहते हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है कि प्रेशर वेल्डिंग कितने प्रकार की होती है। तो प्रेशर वेल्डिंग के अंदर जो वेल्डिंग आती है वो बहुत प्रकार के होती है, जैसे सॉफ्ट वेल्डिंग। इस वेल्डिंग का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी मेटल को इसके बीच में रखकर प्रेशर के जरिए मेटल को वेल्ड किया जाता है। इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। इसके बाद सीम वेल्डिंग। इसका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ज्यादा किया जाता है, जैसे दो दो चक्के की गाड़ी होती है, उनमें जो फ्यूल टैंक की जो वेल्डिंग होती है वो सीम वेल्डिंग होती है। तीसरे नंबर में आता है प्रोजेक्शन वेल्डिंग। दोस्तों, प्रोजेक्शन वेल्डिंग बहुत ही आसान होती है। इसमें आपको दो डाई, एक ऊपर और एक नीचे लगाकर इसके बीच में रखे मेटल ऊपर वेल्डिंग करते हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है नॉन प्रेशर वेल्डिंग। इस वेल्डिंग के अंदर आपको कई तरह के वेल्डिंग मिल जाएंगे जो आजकल इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रयोग किया जाता है, जैसे 1 आर्क वेल्डिंग, 2 मिग वेल्डिंग, 3 टीग वेल्डिंग, 4 सबमर्ज्ड वेल्डिंग। तो दोस्तों, अगर इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है या आर्क वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, टीग वेल्डिंग या सबमर्ज्ड वेल्डिंग के बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।